بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سید الرسل و خاتم المعصومین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آليك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آليك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرد على الامم رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر رضا نے ہر سو سکے بٹھا دیے ہیں فکر رضا نے ہر سو سکے بٹھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں توحید کے حقائق ایسے بیان کیے ہیں توحید کے حقائق ایسے بیان کیے ہیں شرک جلی کے سارے فتنے مٹا دیے ہیں شان نبی میں لکھ کے وہ دل ربا حدائق شان نبی میں لکھ کے وہ دل ربا حدائق عشق نبی کے ہر سو بوٹے لگا دیے ہیں ضرب دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے زلزلے کے
ज़र्बे दलील थी या वो झटके थे जलजले के, रिफ्ज़ो खुरूज के सभी खैबर गिरा दिए हैं। ज़र्बे दलील थी या वो झटके थे जलजले के, रिफ्ज़ो खुरूज के सभी खैबर गिरा दिए हैं। फैज़े रज़ा ने आज भी ज़ुल्मत को चीर के, फैज़े रज़ा ने आज भी ज़ुल्मत को चीर कर तफजीली राफजी के चेहरे दिखा दिए हैं। किलके रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, हर हर बदी के फौरन छक्के छुड़ा दिए हैं। करते रहे जो अपने इल्मो हुनर पे नाज, अहमद रज़ा के इल्म ने जाहिल बता दिए हैं। आसिफ क्या बताए फैज़े रज़ा की बात, शर्को गरब में हक के झंडे लगा दिए हैं। आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु वाज़ा इस्मों की हमदो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़खरे मौजूदात जीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसार जमां सैयदे सरवरां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन खातमन नबीयीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिही व असहाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से डस्का की सरजमीन पर तहरीक सिरात मुस्तकीम डस्का और अल गालिबून के ज़ेर एहतमाम 39वें अफकार रज़ा सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। फाजिल मोहतशम हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर महमूद उवैसी साहिब और दीगर अहबाब की काविशों से आज का ये तारीखी इज्तिमा मुनक्किद हुआ है। मेरी दुआ है खालिक कायनात जल्ला जलालुहु हम सब को कुरान व सुन्नत का फ़हम अता फरमाए और कुरान व सुन्नत के इबलाग व तबलीग और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमामुल असर इमाम अले सुन्नत हाफिज़ुल हदीस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दिस सिरुल अज़ीज़ ने जो किताबें लिखीं उन किताबों में एक मुस्तनद किताब का नाम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन नक्शबंदी है और डस्का में आपने उम्र भर कुरान सुन्नत की खिदमात सर अंजाम दी हैं और हमारे दीगर फजला ने अल्लाह उन सब के मराकत पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। यहाँ के लिहाज से अफकार रज़ा कोई नई चीज़ नहीं है लेकिन मुरूर ज़माना के साथ साथ जब हालात दिगर गुँ हो जाते हैं या यूं समझो जब तबीब भी मरीज बन जाते हैं या चौकीदार भी चोर बन जाते हैं तो उस वक़्त फिर नए सिरे से सफबंदी करना पड़ती है और नए सिरे से मताए दीनों ईमान की हिफाजत का एहतमाम होता है। क्योंकि अहले सुन्नत व जमात इस वक्त ऐसे मरहले से गुज़र रहे हैं और हम अल्लाह के फजल से
जो अकीदे की पावर है, यहां से लेकर दारे अरकम और सुफा तक, उसकी वजह से अपना दीनों ईमान महफूज किए हुए हैं। और इसकी एक बड़ी वजह हमारे इन अकाबिर का लिखा हुआ है, जिसे हम आज भी पढ़ते हैं तो अपना भी ईमान महफूज होता है, औरों का ईमान भी महफूज होता है। आज से कई साल पहले मैंने ये फैसला किया था कि मुजद्दद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को आम करने के लिए 100 अफकार रजा सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। अल्लाह की तौफीक से उन 100 में 39वें सेमिनार का आज इनेकाद किया जा रहा है। अगर हम अपने बुजुर्गों के आराज के मौके पर सिर्फ कुरान खानी भी कर दें तो उनके दर्जात की बुलंदी भी होती है, हमें फैज़ भी मिलता है। लेकिन असल यह है कि उनकी तालीमात क्या थी, और बिलखसूस जब उन तालीमात पर पर्दे डाले जा रहे हों तो बड़ा जिहाद है कि उन तालीमात को उजागर किया जाए। अब देखिए, सिर्फ चंद साल पहले हमने सैयदना दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के अकायदो नजरियात के सिर्फ चंद सेमिनार किए, और उससे ऐसा पर्दा हटा है आंखों से कि आज वो पूरा टोला जो ईरान तक और उधर नजद तक साजिशों में मसरूफ थे, कहीं कोई कह रहा था कि दाता कहना जायज नहीं, और कोई कह रहा था कि गामेशा और दाता साहब एक ही हैं। अल्लाह का फजल है, उस छोटी सी काविश ने लोगों की आंखें खोल दी हैं, और आज वो गुमाश्ते सर छुपा के अंदर छोटे छोटे हुजरों में अपना धंधा चला रहे हैं, वरना अलल ऐलान उनकी बोलती बंद कर दी गई है। अफकार रजा सेमिनार्स मुस्तनद तालीमात की तशरी है, जो मुजद्दद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान किया। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, तालीमात आला हजरत कोई नई तालीमात नहीं। जिस रोशनी को कभी फिक्रे सिद्दीक अकबर कहा जाता था या फिक्रे फारूक आजम कहा जाता था, जिस उजाले को कभी फिक्रे जिन्नुरैन या फिक्रे मौला अली कहा जाता था, जिस चमक को कभी फिक्रे अबी हनीफा और फिक्रे इमाम बुखारी कहा जाता था, और जिस खुशबू को कभी फिक्रे गंजे बख्श और फिक्रे गरीब नवाज कहा जाता था, उसी तजल्ली को मसले के आला हजरत से ताबीर किया जाता है। सिर्फ यह है कि जब हर तरफ से दुश्मनों ने हमला किया तो बहुत से अहले इल्म मसलियत का शिकार हो गए। आला हजरत ने सब कुछ दीन के नाम पे कुर्बान कर दिया। हम छोटे छोटे कारकुन हैं फिक्रे रजा के, हमें पता है कि एक मसला बयान करने की कीमत कितनी देनी पड़ती है, तीर कितने खाने पड़ते हैं, क्या कुछ सितम जमाने के बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो जो इतने बड़े इमाम थे उन्होंने कैसे जिगर पिघलाया और सारी शक्तियों को बर्दाश्त किया, और फिर हम पे एहसान किया कि आखिरी अहद में वो हकायक कंजुल ईमान की शक्ल में और फतावा रिजविया शरीफ की शक्ल में इस उम्मत को अता फरमा दिए हैं। एक एक मौजू बड़ा अहम है, और आज का मौजू है आला हजरत कुद्दस सिर्रुल अजीज बहसियत मुहाफिज खत्म नबूवत। अगर फ्यूज व बरकत बिलवास्ता देखे जाएं तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जिन लोगों ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाने में अव्वलीन काम किया, सारे के सारे फैज़ रज़ा के सिपाही थे।
वो कायदे आले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह या दीगर असलाफ। एक दूसरी तरफ आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो लिखा हुआ है आज बच्चे बच्चे के लिए जरूरी है कि उसे पढ़े समझे और जिस हद तक हो सकता है उसको आगे फैलाए, क्योंकि एक अवामी इज्तिमा के अंदर ज्यादा दकीक बातें पेश नहीं की जा सकती। लेकिन खत्म नबूवत के मौजू पर कुरान सुन्नत के मजामीन को जिस जामे हसीन मुस्तनद और खूबसूरत अंदाज में आला हजरत ने पेश किया वो इस अहद में आप ही का हिस्सा था। फतावा रिजविया शरीफ के चंद मकामात आप हजरात के सामने इस वक्त पेश कर रहा हूं। जिल्द नंबर 15 में आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मजमून की जामियत जो बयान की है 636 सफे पर आप इरशाद फरमाते हैं कि अकीदा खत्म नबूवत की वुसत कितनी है और कब से इसका तज़किरा किया जा रहा है। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इब्न असाकिर के हवाले से ये लिखते हैं 634 सफे पर, लम्मा खलक अल्लाहु आदम, जब रब्बे जुल जलाल ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वाखबारहु बेबनी है और उन्हें उनके बेटों के बारे में मुत्तले किया, औलाद के बारे में मुत्तले किया, फजाला यरा फदाइला बादिहिम अलाबाद, तो वो अपनी औलाद को देख रहे थे और अपनी औलाद और बिलखसूस बेटों के अंदर जो फजाइल थे उनका मुशाहदा फरमा रहे थे, फरा नूरन सातियन फी असफलिहिम, तो औलाद के उस इज्तिमा के नीचे से एक नूर ऊपर उठता हुआ उनको नजर आया, फकाला या रब मन हाजा, मेरे अल्लाह ये कौन है जो है आखिर में, लेकिन नूर उनका पहलों पे भी गालिब आ रहा है, काला हाजा इब्नों का अहमद, ए आदम अलैहिस्सलाम ये आपके फर्जंद इनका इस्म मुबारक अहमद है, वहुवल अव्वलु वहुवल आखिरु, ये अव्वल भी हैं ये आखिर भी हैं, यानी नूर की तखलीक में सबसे मुकद्दम हैं और जहूर में सबसे आखिर हैं। और फरमाया कि वहुवा अव्वलु शाफी व अव्वलु मुशफ़ा, क्यामत के दिन इंसानियत की शफात सबसे पहले यही करेंगे और सबसे पहले इनकी शफात को ही कबूल किया जाएगा। तो खत्म नबूवत का मौजू जिससे आज कुछ लोग उन्हें एलर्जी महसूस होती है, ये तो तारीख इंसानियत का मौजू है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने जो उलूम और हिकमतें अता की और जो तज़करा उस वक़्त हुआ, जो जलसा उस वक़्त हुआ, उसके अंदर भी इस हकीकत को वाज़े किया जा रहा था कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं जो के आखिरी नबी हैं। दूसरे मकाम पर आप फरमाते हैं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पैकर की जो तखलीक थी उस तखलीक पर भी खत्म नबूवत के नकूश मुरतब थे, बैन कतफे आदम मक्तूब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान ये लिखा हुआ था कि हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मजमून को बयान करते हुए तखलीक इंसानियत के आगाज से लेकर फिर जन्नत जाने तक और जन्नत के अंदर के एहतमाम तक इस चीज को मुसन्नफ इबन अबी शैबा और दीगर माखिर से लिखा कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये हजरत काबी अहबार ने कहा, अव्वलु मन याखुज़ु बिहलकति बाबिल जन्ना फयफ्तहु औ फयफ्तहु लहू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के सबसे पहले जो जन्नत की कुंडी को पकड़ेंगे और उनके कहने पर जो जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा
या वो जन्नत के दरवाजे को खोलेंगे, उस हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुम्मा कारा आयत मिन तौरात, फिर तौरात से हजरत काबी अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आयत को पढ़ा और उसकी दीगर अमसला को बयान करते हुए ये कहा कि यही वो हस्ती हैं कि जिनका ये एजाज है, नहनुल आखिरून अलवलून, हम वो हैं कि जो दुनिया में आने के लिहाज से तो आखिर में हैं मगर जन्नत में जाने के लिहाज से सबसे पहले हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वसफ मुबारक जमीन की आबादी की तारीख के साथ वाबस्ता है। जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे उतरे और उन्हें जन्नत से जमीन पर आने के बाद वाशत महसूस हो रही थी तो जिस मजमून से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर उन्हें सुकून बख्शा वो पहले नंबर पर तौहीद का मजमून था और दूसरे नंबर पे वो खत्म नबूवत का मजमून था। हजरत सलमान फारसी से ये रवायत है जो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहने लगे इन्ना रब्बा का यकूलो कद खत्म तो बिकल अंबिया, महबूब हमने आपको भेज कर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। वमा खलक तो खलकन अक्रम अलिया मिन का, मेरी मखलूक में कोई और ऐसा नहीं जिसका मर्तबा और मकाम मेरे नजदीक आपसे ज्यादा हो या आपके बराबर हो। व करन तो इस्मा का मा इस्मी, मैंने अपने नाम से आपके नाम को मुत्तसिल कर दिया है। फला उसका रूफी मोदीन हत्ता तुझकारा माई, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि मेरा जिक्र हो और आपका ना हो। हमेशा के लिए मैंने आपके जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला दिया है। और फरमाया लकद खलक तो दुनिया व अहलाहा, मैंने पूरी दुनिया को और जो कुछ दुनिया में है इसे पैदा ही इसलिए किया है ले उअर्रिफहुम करामतका अलैया, कि उन्हें बताऊं महबूब तुम्हारा मेरे दरबार में मकाम क्या है। लौला का मा खलक्तु समावात वल अर्द वमा बैनहुमा, आप को जाहिर करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन व आसमान को पैदा ना करता। गोया कि यह मुख्तसर खुलासा है कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जिहत ही खत्म नबूवत वाली है। नाम भी खत्म नबूवत वाला है, काम भी खत्म नबूवत वाला है, पैगाम भी खत्म नबूवत वाला, लहजा भी खत्म नबूवत वाला, खिताब भी खत्म नबूवत वाला। खालिके कायनात जल्ला जलालहू ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े हसीन नाम दिए मगर किसी का नाम भी हमद से मुश्तक नहीं किया। क्यों? हमद इख्तिताम पे की जाती है। खतीब 10 घंटे भी बोले तो फिर कहेगा आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर अच्छे काम का आगाज भी हमद से है, हर अच्छे काम का इख्तिताम भी हमद पे है। लिहाजा जब इंसानियत की रहबरी के लिए नबूवत के सिलसिले को शुरू करना था तो उस वक्त भी सबसे पहले नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया गया और फिर आगे सारा सिलसिला शुरू हुआ। और जब जामे और कामिल दीन देकर आगे वाहज का सिलसिला बंद करना था तो रब्बे जुल जलाल ने उसी हस्ती पे बंद किया जिसका नाम हमद से मुश्तक किया गया है। इस वास्ते रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्मे गिरामी मुहम्मद जो कलमा शरीफ का हिस्सा है इसके अंदर ही ये मतलब है कि आप आखिरी नबी हैं।
आपका नाम बता रहा है कि आप आखिरी हैं। इसलिए हमद वाली सारी निस्बतें फिर आपको दी गईं। आपकी उम्मत का लकब हम मादून है, आपका झंडा लिवाउल हमद है, आपका मकाम मकामे महमूद है, और फिर आपका ये काम है। पहले अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम सब ने अपनी ड्यूटी भरपूर अहसन तरीके से निभाई, मगर सबक सिर्फ वो ही पढ़ाया जो रब ने उनके जिम्मे लगाया था। कल क्या होगा, क्यामत तक क्या होगा, वो कहते थे यती मिम्बाद इस्मुहु अहमद। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे तशरीफ लाए, तो फिर ये ऐलान हुआ इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक व महासिनल आमाल। फरमाया मुझे रब ने भेजा ही मुकम्मल करने के लिए है। पहले आए हैं मगर वो मुकम्मल करने नहीं आए, वो अपना सबक अपने हिस्से का पढ़ाने आए। रब ने इंसानियत को जो कुछ देना था वो मुझसे दिलवा दिया है, अब किसी और का इंतजार नहीं, अब किसी और की तरफ, किसी और की दर की तरफ देखने की जरूरत नहीं। मुझे रब ने मुकम्मल करने के लिए भेजा है, तो खत्म नबूवत का मजमून उस मसलक में ही बयान हो सकता है जिसका ये अकीदा हो कि जिसको जो मिलता है दरे रसूल अल्लाह सलाम से मिलता है। कारे नबूवत पीछे बचा ही नहीं, पहले बचा था। नबी आते थे, अंधेरे छा जाते थे, उनके जाने के बाद फिर नए नबी आते थे, अंधेरे छा जाते थे, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वो आए हैं। क्यामत आ जाएगी, अब अंधेरों की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो आपका काम बता रहा है कि आपने कमी कोई नहीं छोड़ी। कोई आए तो क्या करने आए, कौन सी कसर बाकी रह गई थी। तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा कनहारहा। लोगों मैं दुनिया से जाने से पहले तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हें अंधेरे वाले दीन पे नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हें रोशन मिल्लत दे के जा रहा हूं, जो ऐसा रोशन दीन है कि जिसकी रात भी इतनी रोशन है जितना कि दिन रोशन होता है। लिहाजा पीछे कोई गुंजाइश ही नहीं। इस सारे मजमून को आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की नात का एक शेर बयान करता है, फरमाते हैं, न रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां गुंचा कोई बागे रिसालत का। पहले जगह बच जाती थी, बड़े बड़े खूबसूरत फूल खिले मगर सहने चमन भरा नहीं, बड़े बड़े खूबसूरत फूलों की खुशबू आई मगर वो खुशबू किसी और के आने का ऐलान कर रही थी, बड़े बड़े शरीयतें लेकर आए और बड़ा कमाल था उन शरीयतों के अंदर, मगर क्यामत तक के मसाइल का हल जब पूछा गया तो कहा याती मिम्बाद इस्मुहु अहमद। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वो हस्ती आए हैं, फरमाया मैंने इंसान के हर मसले का हल क्यामत तक के लिए कर दिया है। अकीदा खत्म नबूवत जिस मसलक की रोशनी में बयान हो सकता है उस मसलक को आला हजरत का मसलक कहा जाता है। जिनकी ये सोचो अल्लाह के नबी को कल की खबर नहीं, माजअल्लाह परसों का पता नहीं, और बयान ये करें कि वो आखिरी नबी हैं और हर मसले का हल दे गए हैं, तो कोई पूछ सकता है हर मसले का हल तब दिया है जब मसले का पता था। तो जब मसले का पता ही ना हो तो हल कैसे दे गए। उनकी तालीमात ही अफोर्ड नहीं करती कि वो खत्म नबूवत बयान करें। जिस अकीदे पर सीना खोल के खत्म नबूवत को बयान किया जाता है उसको मसलक आला हजरत कहा जाता है। देखिए क्यामत तक के लिए जितने मसाइल आने थे
अकीदा खत्म नबूवत के अंदर ये बात मौजूद है कि हर हर मसले का पता था मेरे आका अलैहिस्सलाम को, हर बीमारी का पता था, हर हर फितने का पता था। और किसी ने तो फितनों से बचाने आना नहीं था, और किसी ने तो फिर इंसानियत का तबीब बनना नहीं था, और किसी ने तो फिर मुश्किल कुशाई करनी नहीं थी। तो क्यामत तक की हर सदी, हर सदी का हर साल, हर साल का हर महीना, हर महीने का हर हफ्ता, हर हफ्ते का हर दिन, हर दिन का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट और हर मिनट का हर सेकंड, उसमें जो कुछ होना था उसको जानते भी थे और इलाज भी फरमा रहे थे। जिसका ये मसलक हो वो अकीदा खत्म नबूवत का आलमबरदार होता है। ये मजमून थोड़ा सा मजीद इसको समझने की कोशिश करें। बयान करना हो अफकार रिजा को, मौजू हो खत्म नबूवत वाला, तो हर काने को खुड़क जाती है। बिला वजह वो लेटने वाला शादी हाल वाला नहीं लेटा। तवज्जो करना, खत्म नबूवत मौजू बयान करना आसान नहीं। आज हमारे यहाँ होम्योपैथिक तकरीरें होती हैं, बागबान भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी। फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 333 पर आला हजरत एक सवाल का जवाब देते हुए लिखते हैं, हजूर पुर नूर खातमन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिम अजमाइन का खातिम होना, इसका माना क्या? दो बड़े दज्जालों ने यहां पर खयानत की और आला हजरत ने ताकुब करते हुए और भी कई साथी भून दिए। एक कह रहा था खातमन नबीयीन का मतलब है असली नबी, और अगर कोई ये कहे कि नबी मैं हूं मगर असली नहीं हूं, असली वो ही है, मैं उनका साया हूं। जब वो ये कह रहा था उस वक्त ही आला हजरत का कलम फैज बार बिजली बन के उस पर गिरा। और एक दूसरा जिसकी वजह से शादी हाल कैंसिल हुआ, वो तहजीर उन्नास वाला, वो कहता था कि खातमन नबीयीन का माना जो है वो है अफजल अंबिया में से सबसे अफजल। खातम का माना, अगर खातम का माना असली करें या खातम का माना अफजल करें, तो दोनों लिहाज से मिर्जा कादियानी की गुंजाइश बनती है उनके बकौल, जिन्होंने बनाई और फिर उसने कर ली, क्योंकि लफ्ज का माना ही जो इजमाई था उसको तर्क किया जा रहा था। तो ये सबक अपने जहन में आपने बिठाना है। जो मैंने एक मुख्तसर जुमला बोला कि बयान खत्म नबूवत के लिए मसल के अहले सुन्नत नागुजीर है, आले सुन्नत से हटे हुए लोग किसी ना किसी तरह जरूर खत्म नबूवत पे हमला करते हैं, अगर वो जाने या ना जाने। आप फरमाने लगे कि खातिम यानी बेसत में आखिर, दुनिया में भेजे जाने में बेसत में आखिरे जमी अंबिया मुरसलीन बिला तावील व बिला तख्सीस, बेसत में आखिरी, किसके? सारे नबियों के आखिर में और सारे रसूलों के आखिर में, बिला तावील व बिला तख्सीस। यूं होना ये जरूरियात दीन से है, यानी खातिम को इस माने में मानना। आप अफजल तो हैं ही सब रसूलों में, वो अलहदा मनसब है, लेकिन खत्म नबूवत के बयान में जो आपको खातमन नबीयीन कहा गया, इस खातिम का माना जो खातम भी है खातिम भी है, इसका माना वो है बेसत में सब अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के बाद। ये जरूरियात दीन से है, मतलब क्या है? जो इसका मुनकर हो या इसमें अदना शक व शुबा को भी रवा जाने काफिर मुर्तद मलून है। अकीदा खत्म नबूवत क्या है? कि खातमन नबीयीन का ये माना लेना कि आप
सारे अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम से बाद में है बेशक में, और इसमें कोई तावील नहीं, इसमें कोई तख्सीस नहीं कि फलां का तो नहीं आ सकता, फलां तरह का आ सकता, नई शरीयत वाला तो नहीं आ सकता, पहली शरीयत को राज करने के लिए किसी नए को नबूवत दी जा सकती है। बिला तावील व बिला तख्सीस इसे मानना ये जरूरियात दीन में से है। इसका मुनकिर या इसमें अदना शक व शुबा को भी रह दे जो वो काफिर मुर्तद मलून है, क्योंकि आयत करीमा है वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, क्या आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम है और अंबिया के खातिम हैं। और हदीस से मुतवातर है ला नबी बाद, तो आला फरमाते हैं तमाम उम्मत उम्मत मरहूमा सलफन खलफन, यही माना समझते आई है कि हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तख्सीस तमाम अंबिया में आखिर में भेजे गए हैं, और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बिला तख्सीस तमाम अंबिया में आखिरी नबी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके होते हुए जहरी आयात में, या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्यामत तक किसी को नबूवत मिलनी मुहाल है, ना उस वक्त मिल सकती थी किसी को ना बाद में। फरमाते हैं कि इजालम यारिफिर रजुलु अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरल अंबियाए फलैसा बिमुस्लिमिन, अगर कोई शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुल अंबिया नहीं मानता, यानी खातमुल अंबिया का माना आखिरुल अंबिया वाला नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं। यानी सिर्फ खातमुल अंबिया मानना जरूरी नहीं, खातमुल अंबिया का माना आखिरुल अंबिया मानना भी जरूरी है। ये किस लिए फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील बयान की, सफा नंबर 336 पे लिखते हैं, आज तो क्या पिद्दी का शोरबा, वो तर्जमे भी कर रहे हैं तफसीरें भी कर रहे हैं, और कुछ बकूतर आल हजरत का खा के आज वो बिलियां आल हजरत को म्याओ म्याओ कर रही हैं। फरमाते हैं लाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, आयते करीमा और हदीस मुतवातर की मिसल ला नबी आबादी कतन आम, और इसमें मुराद इस्तिगराके ताम, और इसमें किसी किस्म की तावीलो तख्सीस ना होने पर इजमाए उम्मत खैरुल अनाम, ये जरूरियात दीन में से है। इस सिलसिला के अंदर जिस जिसने डंडी मारी आदत ने उसको डंडा मारा, ये लफज सुनो, फरमाते हैं जैसे आजकल दज्जाल कादियानी बक रहा है, इन उसी जमाने में उसी वक्त 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 की बात होती है, फरमाते हैं जैसे आजकल दज्जाल कादियानी बक रहा है कि खातमन नबीयीन से खत्म नबूवत शरीयत जदीदा मुराद है, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी उसी शरीयत मुताहरा का मुरव्विज और ताबे होकर आए तो माजल्ला कुछ हर्ज नहीं। फरमाते हैं और वो खबीस इससे अपनी नबूवत जमाना चाहता है कि लोगों को कहता मैं भी खातमन नबीयीन मानता हूं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या आप खातमन नबीयीन हैं, मतलब यह है कि अब कोई नई शरीयत वाला नबी नहीं आएगा, और जो पहली शरीयत है सरकार की उसका मुरव्विज बनकर और उसके ताबे होकर आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, यानी अपनी वो गुंजाइश निकालने के लिए इस माने के अंदर गड़बड़ कर रहा था जिस हस्ती ने उस वक्त फौरी तौर पर करोड़ों मुसलमानों के ईमान को बचाया, उसको इमाम अहमद रजा बरेलवी कहा जाता है। अगला जुमला भी सुन लो, बुकिंग क्यों कैंसिल हुई,
फरमाते हैं या एक और दज्जाल ने कहा कि तकद्दुम ताखुर जमानी में कुछ फजीलत नहीं, ताजीरुन्नास में खातिम बेमाना आखिर लेना ये जुहाल का ख्याल है, यानी जिस पर उम्मत का इजमा था कि खातिम का माना आखिरी नबी है, तो उसने कहा नहीं नहीं आखिरी नबी नहीं, ये जहलों ने आखिरी नबी माना बनाया हुआ है, बल्कि खातम नबीन का माना है बिज़ात नबी। तो आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्ला अलैह ने कहा कि आखिरी होना ये सरकार की मुनफरिद शान है। कासिम ननौतवी कह रहा था आखिरी होना भी कोई शान है, आखिरी होना कोई शान नहीं, तकद्दुम ताखुर जमानी इसमें कोई फजीलत नहीं। वो दरवाजा कादियानी का खोल रहा था और कादियानी अपनी तैयारी करके लांच होने के लिए बढ़ रहा था और इमाम अहमद रजा बरेलवी डंडा लेकर आगे सिद्दीक अकबर के किरदार इस उम्मत में अदा कर रहे थे। इस वास्ते खातम नबीयीन में लफ्ज खातम और खातिम, इसके अंदर जिन दो बड़े दज्जालों ने गड़बड़ की, अगर उनका रद्द ना करें तो खत्म नबूवत कैसे बयान हो, और तोता टाइप की तकरीरें कि जरब भी किसी को ना लगे और काम भी हो जाए, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। हुसैनियत ख्याली जरब का नाम नहीं, फाली जरब का नाम है। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ देख लीजिए, ये मेरे इमाम का कमाल है, जब वो बयान करने में किसी को नहीं छोड़ रहे थे तो हम फिर किसी को कैसे छोड़े, तो फिर बुकिंग तो कैंसिल होनी ही है। और ये तो मामूली बात है, पता नहीं क्या क्या कैंसिल हो जाता है। फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप जिल्द नंबर 15 में इरशाद फरमाते हैं, ये जो हमने अकीदा खत्म मासूमियत का नारा बुलंद किया कि जब तक खत्म मासूमियत बयान ना हो खत्म नबूवत बयान ही नहीं होती, मजमून ये बड़ा लंबा है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका हवाला देते हुए अद्दुर्रुस्समीन से आला हजरत ने ये लिखा, तर्जमा आला हजरत का है, इबारत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, सअल्तुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवालन रूहानियन अनिशियत, कि मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से एक रूहानी सवाल किया शिया के बारे में, फाहुमा इलैया अन्न मज़हबहुम बातिलुन, तो सरकार ने इशारा फरमा उनका मजहब बातिल है, व बुतलानु मजहबिहिम युराफु मिन लफ्ज़िल इमाम, और उनके मजहब के बुतलान की दलील लफ्ज़ इमाम है। कहते हैं हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, लम्मा अफक्तो, जब मैं बेदार हुआ मुझे होश आया, यानी वो जो मेरी मुलाकात थी उससे मुझे होश आया, अरफ्तो, तो मैंने फिर उनकी सारी किताबें माखज देखे कि इमाम का लफ्ज कैसे उनके बुतलान की दलील बन रहा है, अरफ्तो अन्नल इमाम इंदहुम हुवल मासूम, मुझे पता चला कि इमामत और मासूमियत उनके नजदीक लाजिम मलजूम, इमाम मासूम को कहते हैं उनके नजदीक, अल मुफ्तरद ता, जिसकी इतात औरों पे फर्ज हो गई है, अल मुहा इलैही वाहियन बातनियन, जिस पर बातनी वाही होती है, ये उनके नजदीक इमाम की डेफिनेशन है। कहते हैं वहाजा हुआ मानन नबी, तो यही तो नबी का भी माना है, हाजा हुआ मानन नबी मजहब हम यस्तल से मु इनकार खत्म नबुआ थे, कि वो जो आइम्मा मासूमीन 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 कह रहे हैं उनका मजहब इनकार खत्म नबूवत को मुस्तलजिम है। और आला हजरत
फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहस करते हुए जो हवाले दिए तफसील के साथ, आज अगर किसी हस्ती के बारे में कोई ये कहता है, कोई खुद कहे कि मुझ पे वही उतरती है माजल्ला, या किसी के बारे में कोई कहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद किसी और के बारे में कोई कहे कि इस पे वही उतरती है, तो इसे ही दावा नबूवत कहा जाएगा कि वो कादियानी दज्जाल जैसा उसने दावा किया। और फिर जिनके बारे में, वो हस्तियां तो मुबर्रा हैं, वो मुताहरीन हैं, वो पाक हैं, वो खुद बेजार हैं कि आखिरी वही अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर उतर गई। और जिन लोगों के नजदीक हर वक्त जमीन पर एक हस्ती ऐसी होती है कि जिस पर वही उतरती है, फिर सोचना चाहिए कादियानी एक माने तो मुनकर खत्म नबूवत हैं, तो जो 12 माने तो वो किस तरह खत्म नबूवत के मुनकर नहीं है। इस पर खुद उनके फतावा और हवाला जात जो है वो मौजूद हैं। अभी गुज़श्ता रात हमने जिक्री तबके के बारे में तफसीली फतवा सादिर किया, जो उनकी तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। अपना काबा बनाया हुआ है उन्होंने, अपना हज बनाया हुआ है, अपना मकाम महमूद बनाया हुआ है, अपना जमजम बनाया हुआ है। बलोचिस्तान में तुर्बत के इलाके में 27 रमजान को हज करते हैं, एक पहाड़ी को कोहे मुराद कहा हुआ है, और अब लाखों की तादाद में वो लोग हो चुके हैं। तो खत्म नबूवत का लफज इन सब बागियों के खिलाफ ऐलान हक है, और ये किसी को चुभे या ना चुभे, हमारी ड्यूटी तो हक बयान करना है। नबूवत का मनसब मेरे आका अलैहि सलाम के विसाल के बाद किसी को नहीं दिया जा सकता, और वो मुकद्दस हस्तियां खुद इस बात की सारी जिंदगी तबलीग करती रही हैं। और आज इन लोगों ने अपने धंधे चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इनकार खत्म नबूवत की शक्लें अपनाई हुई हैं। लिहाजा ये वजह है मैं कहता हूं कि खत्म नबूवत के बयान के लिए मसल के अहले सुन्नत जरूरी है। और आला हजरत ने ये सारी तफसीलात जो हैं उनको लिखा, और इसमें आज इस मौका पर ये हमारे जो अब इन दिनों में इज्तिमात हो रहे हैं, ये वो दवाई तकसीम हम कर रहे हैं कि जो जाम बलब मरीजों के लिए बांटना हम पे फर्ज है। और ये याद रखो, सारी दवाइयां जरूरी होती हैं, लेकिन मुआशरे में जब मर्ज हैजे का हो और आंखों के सुरमे का एहतमाम किया जा रहा हो, तो उसे मुबल्लिग हकीकत कैसे कहेंगे, उसको मुफ्ती वक्त कैसे कहेंगे। जो बीमारी है उसका इलाज करो। आज हाजिरी लग रही है कि कौन है जो अंदर से कालों के साथ मिले हुए हैं या खवारिज के साथ मिले हुए हैं, कि राबते भी बरकरार रहें, दोस्तियां भी रहें, और इधर सुनियों को भी जो है वो थुक लगाए रखे। इस वक्त उम्मत पर तारीखी आजमाइश की घड़ी है कि नामूसे सिहाबा बिल, नामूसे अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बिल, जो असेंबली से मंजूर हो चुका, जो सेनेट से मंजूर हो चुका, मुट्ठी भर काले उसका रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हमने तौहीन करनी है सिहाबा की। तो क्या बर्दाश्त कर लोगे गली गली उनकी तौहीन? मैं सारे आस्थानों के सज्जादा नशीनों को, जब तक गूंगे बने हुए हैं, मैं कहता हूं तुम्हारे आस्थानों के तकद्दस सिद्दीक अकबर की खाके पा के बाद आते हैं। उन्हें अलल एलान जालिम कहा जा रहा है फदक के मसले पर माजल्ला, और गासिब कहा जा रहा है, और तुम मुरीद बढ़ाने घटाने के चक्कर में बैठे हो। क्या फायदा है तुम्हारी गूंगी और हेजड़ी तकरीरों का? वक्त है, जमाना ये गुजर गया। तो फिर कहेंगे जब उस वक्त ऐसा हो रहा था तो हमारे हजरत साहब की गाड़ी गुजरी थी वहां से, और हवा के झोंके ने रुख बदल दिया था, जबान नहीं थी हजरत साहब की। हजरत साहब मर गए हैं,
मैं किसी एक हजरत की बात नहीं कर रहा, मैं सारे गुंगों की बात कर रहा हूं कि ससुराल नाराज हो जाएंगे, हमायत नहीं कर सकते। कोई यह है कि दामाद नाराज हो जाएगा। जिन नास्तानों में राफजियत घुस गई है, ऐलान सुन ले हमारा, ये सुन्नी कौम तुमसे बगावत को तैयार है। अगर तुम सिद्दीक अकबर के नहीं तो हम तुम्हारे नहीं। सुन्नी सिद्दीक कुबरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इज्जत का आलम भी बुलंद करता है और किसी को भौंकने नहीं देता, और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज्जत का आलम बुलंद करता है और किसी को गूंगा बैठने भी नहीं देता। आप वो गली गली शोर मचा रहे हम जकम रबी अव्वल को इकट्ठे होंगे, कहते हमसे ये उनका अदब नहीं होता, तुम जाओ जहन्नम में अदब ना करो, मगर हम तुम्हें भौंकने नहीं देंगे। अगर इस मुल्क में रहना है तो आल का भी अदब करना है, असहाब का भी अदब करना है। ये हाजिरी का वक्त है, आप हाजिरी लगाओ दरबारों की, सज्जादा नशीनों की, मोहतमिम हजरात की, मुफ्तियों की, मुबल्लिगीन की। इस वक्त इस मसले पर बोलने की जरूरत है। कैसे जियोगे इस मुल्क में जब गली गली में हजरत सिद्दीक अकबर को गालियां देकर वो मुस्तंडे फिरेंगे और कहेंगे कोई कानून नहीं हम पे नाफिज होता। कहते हम मुतनाजा बिल रोकने गए तो इसका माना क्या है कि हम सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को बाकी सहाबा को सबको मातुल मोमिनीन को भौंकेंगे और हम सीनाजोरी करेंगे, जो चाहे करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो बर्दाश्त है तुम्हें ये? तो इन गूंगे सज्जादा नशीनों को भी बुलाओ, निकले लाखों मुरीद लेकर, और हुकूमत को बताएं अगर वो उधर भौंक रहे हैं तो इधर हम सिद्दीक अकबर के मुहाफिज खड़े हैं। अगर सिर्फ जेहत खत्म नबूवत वाली देखनी है तो उम्मत में कौन है जिसका वर्क सिद्दीक अकबर से बढ़कर है खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ में? तो काले उनके लिए को भौंक रहे हैं अगले दिन इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए, और भौंक भौंक के वही लफज जिसके जवाब में मैंने 4 माह जेल काटी, आज ये गूंगे सज्जादा नशीन कहां मर गए हैं? अपने लिए हल्का सा कोई जवाब दे दें, लेकिन ये तो बताएं तो सही उनको कि कालो हम हजरत सिद्दीक अकबर के गुलाम हाजिर हैं, हमारी लाशों से गुजर के जाओगे तुम आगे इस कानून को बंद करने में। कर ये आवाज बुलंद करो, हर मस्जिद से आनी चाहिए, हर मस्जिद से आनी चाहिए, पता चल जाए कौन कालों का यार है और कौन अहले बैत और सहाबा का वफादार है। कायदे मोहतरम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कायदे मोहतरम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कायदे मोहतरम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इमाम जलाली 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 कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे। इस मुल्क को खाना जंगी से बचाने के लिए लाजिम है कि नामूस अहले बैत बिल नाफिज किया जाए, नामूस सहाबा बिल नाफिज किया जाए। वक्त आता है हर चीज के चेहरे का हिजाब उतरता है। ये मुहिब अहले बैत बने हुए थे तो अहले बैत की तोहीन पर कानून मंजूर हुआ तो इनको क्यों मौत पड़ गई? तो पता चला मोहब्बत से इनका सरोकार नहीं, इनका सरकार के सहाबा के बुग्ज से कारोबार है। तो इस बुनियाद पर सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बलाके हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली। मुझ पर झूठी एफआईआरें कटवाने वालों हम सुर्खरू हो के फिर भी मैदान में हैं। वो एक पीर साहब है, सर पर वो मीनारे पाकिस्तान शायद रखते हैं। अलीपुर सजदा शरीफ से हजरत पीर सैयद जफर इकबाल शाह साहब ने मुझे उनके दो शनाख्ती कार्ड दिखाए, कहने लगे देखो इस बंदे का कमाल, बंदा एक है बाप इसके दो हैं।
जुदा जुदा ऐसे लोग हैं माली मफादात के लिए बाप का नाम काट के किसी और का लिख दे और उनके शतुंगड़े यहां फिरते हैं। हट जाओ हमारी राहों से शैतानो। आला हजरत के सिपाही आज भी जिंदा है और ये बात भी जेहन में रखो, एटीआई अंजमन तालाबाए इस्लाम या अंजमन तोलाबाए इस्लाम हमारी गैरतमंद नौजवानों की स्टूडेंट्स की एक तंजीम थी, मगर इस वक्त वो एटीआई रियाज शाह का बगल बच्चा बनी हुई है और रियाज शाह इमाम हसन की सियादत को नहीं मानता, रियाज शाह सिहाबा को तान करता है। अगर वो नफ्सुल अमर में शाह हो भी तो इमाम ने लिखा जो किसी एक सिहाबी को तान करे उसकी सियादत का कोई एतबार नहीं होगा। पता नहीं है या नहीं, बहरहाल हर गली में इन लोगों का ताकुब करो, यहां भी उसके जरासीम हैं। जमात आले सुन्नत वालों गैरत का लिहाज करो। चाहिए था कल के इजलास में जमात आले सुन्नत उसके खिलाफ फतवा देती, क्या पिद्दी का शोरबा बनौरी टोन में पढ़ के तो आला हजरत के तर्जमे को गलत करार दे रहा है। रियाज शाह ये जमाना आना था, ये होते आले सुन्नत के नाजमी आला। हर मस्जिद से ये आवाज गूंजे हमें अपनी तंजीम बड़ी मुकद्दस है, मगर जब तक ये रियाज शाही टोला उससे इस तंजीम को आजाद नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये होगा ये आला हजरत के सिपाहियों के मुकाबले में अपने सांप पाल रहे हैं। वैसे तो अब हुजरे में बंद हो गए हैं, इन बच्चों के जरिए नंगे अम बरसरियाम आना चाहते हैं। एटीआई वालों तुम रियाज शाह के बगल बच्चा नहीं हो, तुम इमाम अहमद रजा बरेलवी के सिपाही हो और इस गुरु के चेलों पर वाजे कर दो कि जैसे उसके लिए जमीन तंग हो गई है अगर उसके साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए भी तंग हो जाए। उसने मसल के इमाम अहमद रजा से बगावत की है, कंजुल ईमान शरीफ पे उसने तनज किया है, उसने तफसीर कुरान बिर्राए ही नहीं की बल्कि उसने तहरीफ कुरान मानवी की है। वो मुफक्किर इस्लाम नहीं, वो मुबद्दिल इस्लाम है, वो मुफस्सिर कुरान नहीं, वो मुहर्रिफ कुरान है। आला हजरत का तर्जमा और उनके अंदाज को सामने रखते हुए मैंने ये चंद अशार लिखे। कर दिया इंसाफ से वो तर्जमा कुरान का, कर दिया इंसाफ से वो तर्जमा कुरान का, बिल यकीन साबित हुआ जो कंज है ईमान का। किस कदर किल के रिजा को दी है हक ने वसातें, कर दिया वाजे तरीका दीन की पहचान का। ना मतालिब में कजी है ना मानी से खुरूज, तोल के बोला रिजा ने तर्जमा फुरकान का। तर्जमा ऐसा मारिफ का जहां दिखने लगे, कितना उम्दा है खुलासा रब के हर फरमान का। गिर रहे थे जिन पुलों से बद अकीदा काफले, गिर रहे थे जिन पुलों से बद अकीदा काफले, पार गुजरा है वहां से काफला फैजान का। आज इफरीती रवैये जो कहता है ना इफरीत का तर्जमा खबीस किसने किया, मैं उन्हें कह रहा हूं आज इफरीती रवैये सीख पाए इसलिए, कुछ नहीं छोड़ा रिजा ने हर किसी शैतान का। इश्क महब्बत आज इफरीती रवैये सीख पाए इसलिए। आला हजरत का दिन मनाना कोई आसान है, कहां बैठ के मनाए, ये बोझ कौन उठा सकता है। जिनके शैतानों को रजम किया आला हजरत ने वो हमें कुर्सियों पे बिठाए। आज इफरीती रवैये सीख पाए इसलिए,
कुछ नहीं छोड़ा रिजा ने हर किसी शैतान का, इन यतीमों की क्या औकात समझे तर्जमा, इन यतीमों की क्या औकात समझे तर्जमा, वो पिंडी का देव सा हो या चवड़ इरफान का। इन यतीमों की क्या औकात समझे तर्जमा, वो देव रियाज शाह और चवल चम चिट्टी सखर की। देखो अभी मेरे हाफिज अल हदीस का नाम आया। एक जमाना होता था दुनिया के किसी कोने में, कोई अपनी मसलक की पुख्तगी जहर करना चाहता तो भिक्की शरीफ का हवाला देता था। दुनिया में कि अगर उनसे राबता है तो फिर ये सही लकीदा है। और अब वो चंद दिन पहले को कब वहां पर एक दिल उर्स की तकरीब में गया है, हर जगह सफाइयां देता फिर रहा, मैं सही लकीदा हूं, मैं सही लकीदा हूं। अरे तुझ पे शक क्यों पैदा हो गया, तू क्यों मशकूक हुए? तो मैं मौजूदा हजरात को कहता हूं, शर्म के लिए इतना ही काफी है। देखो हमारे मुकाबले में भिक्की शरीफ के सज्जादा नशीन और मोहतमिम ने दो लोगों का मुंतखब किया जामिया मोहम्मदिया भिक्की शरीफ के दरस बुखारी के आगाज और इख्तिताम के लिए। एक का नाम रियाज शाह है और दूसरा वो सखर का चवड़ है। और वो दोनों कौन है? वो अलहद को भोंक रहे हैं और भिक्की शरीफ क्या मरकज आला हजरत का। मर जा इरफान शाह मर जा, ये दिन भी तूने देखने थे कि आला हजरत को भोंकने वालों के पीछे थपकी तेरी है और तू पला है आला हजरत के लंगर के टुकड़े खा के। बातें तलख हैं मगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आस्थानों के नाम आने से लोगों का कलेजा कांपता है। मैं हूं, मैंने हाफिज अल हदीस का आलम थामा है। और अगर उस आस्थाने से भी कोई मसले के रिजा के खिलाफ आया है तो मैंने अलान उनको उल्टा किया है और जब तक वापस नहीं आएंगे मैं उल्टा करूंगा। लिहाजा ये हकीकत है, इसको पेश नजर रखना है। इन यतीमों की क्या औकात समझें तर्जमा, वो पिंडी का देव सा हो या चवल मेहरान का। मुंतजिर हैं अहले सुन्नत की समात देर से, खैर से बोले कोई अब काजमी मुल्तान का। ऐसे पलीत को तुमने नाज़िम आला बना के रखा, अब क्यों नहीं बोलते उसके बारे में फतवा दो? मुंतजिर है अहले सुन्नत की समात देर से। क्या सिर्फ नजराने समेटने का कारोबार करना है? गाजी साहब की तहरीक को तुम साइड पे हो जाओ, आसिया मलूना का मसला हो बाहर चले जाओ, जिस वक्त करबला का मौका हो उस वक्त हुसैनियत बुला बैठो और फिर दावेदार भी बनो हुसैनी होने के। अब बोलो कि इस शख्स के खिलाफ फतवा अनवारुल्लू मुल्तान से आना चाहिए, जमात आले सुन्नत पाकिस्तान से आना चाहिए। कौन होता है जो आला हज़रत को भौंके? ये तुम्हारे पहलू में रहा है। मुंतजिर है अहले सुन्नत की समात देर से, खैर से बोले अब कोई काजमी मुल्तान का। मुझ में आसिफ शाह जलालुद्दीन से है पुख्तगी, मुझ में आसिफ शाह जलालुद्दीन से है पुख्तगी, जिनकी सोहबत से खुला है दर मेरे विजदान का। वाखिरु दावा यानिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।